नासिक में पिछले 24 घंटों में हुई दो हत्याएं और दो संदेहजनक आत्महत्याओं से नासिक शहर में हड़कंप मच गया है। नासिक में फिर एक बार देर रात एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक 50 वर्षीय हरीश पाटिल है। यह घटना पुणे रोड पर स्थित पौर्णिमा बस स्टॉप परिसर में घटी है। नासिक में बीते 24 घंटों में दो हत्याएं और दो संदेहजनक आत्महत्याएं हुई। कल ही पुराने विवाद के चलते एक युवक की मसरूल में हत्या कर दी गई, तो पिता पुत्र का संदेहजनक मृतदेह घर में पाया गया। आज फिर नासिक में एक युवक की हत्या कर दी गई। नासिक में बीते कई दिनों से अपराधों की संख्या बढ़ गई है, जिस वजह से शहर के नागरिकों में डर की स्थिति पैदा हो गई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार प्रातः करीब 4 से 5 बजे के दौरान लुटेरों ने लूट के इरादे से इस वृद्ध की हत्या की है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। यह प्रकरण मध्य एक पादचारी रस्ते चलत असताना तीन व्यक्ति हे मोटरसाइकिल मागून आलेले आहेत आणि त्याचा त्यांनी गाधाशत्रांनी खून केला दिसून येत आहे। यामागेचा हेतू काय आहे हे पुढे निष्पन्न होईल, तपास सध्या चालू आहे। अवेलेबल पुढे तपास चालू आहे। त्या व्यक्तीच्या बरोबर आपल्याला आधार कार्ड सापडलं आहे, त्यानंतर ते दिसून येत आहे की ती व्यक्ती ही पुण्यातली रहिवासी होती। मी माहिती घेतो, सध्या माझ्याकडे माहिती प्राप्त नाही आहे। नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये आज सकाळी पहाटे 4:45 दरम्यान एका पादचार्याचा, ज्याचं नाव पाटील निष्पन्न झालेलं आहे, त्या व्यक्तीचा निरूपणे खून करण्यात आलेला आहे। त्याचा तपास पुढे भद्रकाली पोलिसांचे PI करत आहेत। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।